सरफराज खान का लंबे समय से भारतीय टीम में सेलेक्ट होने का इंतजार सोमवार को समाप्त हुआ। बीसीसीआई ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में हुए बदलाव की घोषणा की। इतनी खुशी मुझे आज तक। एल राहुल और रविंद्र जडेजा चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर, सरफराज खान और सौरभ कुमार को टीम में शामिल किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में 2 फरवरी से शुरू होगा। सरफराज ने हाल ही में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे अनाधिकृत टेस्ट मैच में उमदा पारी खेली, जिसके दम पर उन्हें टेस्ट टीम से बुलावा आया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 166 गेंदों में 18 चौके और 5 छक्के की मदद से 161 रन बनाए थे। भारत ए ने यह मैच 16 रन से जीता और सरफराज खान को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम के T20 स्टार सूर्य कुमार यादव ने सरफराज खान को टेस्ट टीम में चुने जाने पर शानदार अंदाज में बधाई दी। सूर्य कुमार यादव ने अपनी और सरफराज खान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, यहां सबसे ज्यादा खुश भारतीय टीम से लड़के को बुलावा आया, उत्सव की तैयारी करो। सरफराज खान ने सूर्या की इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट किया और साथ में बॉलीवुड फिल्म इकबाल का गीत आशाएं बैकग्राउंड में जोड़ा। सरफराज खान को टेस्ट डेब्यू मिलने की काफी उम्मीदें हैं। हालांकि चयन के लिए सरफराज खान को रजत पाटीदार की चुनौती मिलेगी, जो विराट कोहली के विकल्प के रूप में शुरुआती 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए रजत व सरफराज में से किसी एक को चुनना मुश्किल फैसला होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सरफराज खान को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं।